और एनकाउंटर सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के लिए। दूसरा समुदाय देखिए, अभी तक हजारों घर जला दिए गए, दुकानें जला दी गई, लेकिन कितनी कार्यवाही हुई हम सब जानते, कितने लोगों पर कार्यवाही होगी तो किस पर होगी? सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर होगी, क्योंकि लगातार एक समुदाय के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, नफरत परोसी जा रही है। वो देश का मीडिया जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, जिस तरीके से नफरत परोसने का काम कर रहा है, मैं कैसे मालूम, मैं अगर ट्रेन में सफर करती हूँ तो मुझे मारा जाता है, पीटा जाता है, मेरी लिंचिंग करने की कोशिश की जाती है। जिस जवान को यात्रियों की सुरक्षा करनी है, वो चुन चुन कर टोपी देखकर मेरी दाढ़ी देख करके जिस तरीके से उनको चुन चुन कर मारता है, मैं कैसे मान लूँगी अब्दुल हमीद का परिवार ही जिम्मेदार है। किसी मंदिर के अंदर कोई किसी भी जानवर का गोश्त फेंक दीजिए, किसी भी मस्जिद के अंदर कोई मूर्ति ले जाकर रख दीजिए, दंगा हो जाएगा। आप दोनों समुदाय को लड़ाना है तो यहाँ पर ये नहीं किया गया। इस बात की क्या गारंटी है कि भीड़ ने कई कई घर जला दिए, कई कई दुकानें लूट ली, जब भीड़ ये कर सकती है तो फिर ये भी कर सकती है? ये क्या, क्यों भीड़ ने उसको नहीं मारा और वो हथियार उस घर में नहीं फेंक दिए? क्यों, ये जब भीड़ सब कुछ कर सकती है, किसी के घर में घुस सकती है, किसी का धार्मिक झंडा उतार सकती है, अपना झंडा लहरा करके अपनी ताकत का परचम लहरा सकती है, तो क्यों गोपाल मिश्रा को मोहरा बनाकर क्यों नहीं मार सकती है? बस इन्हीं यात्राओं के अंदर आप देखेंगे किस तरीके से भगवा पहन करके किस तरीके से आपत्तिजनक शब्द बोले जा रहे हैं, किस तरीके से इन दंगा यात्राओं के अंदर मस्जिदों के सामने, उन धार्मिक स्थलों के सामने। सवाल ये है कि वो दंगाई, क्योंकि इस तरीके की दंगाई यात्रा निकाल कर, क्योंकि इस तरीके की यात्राएं पहले भी निकली हैं, लेकिन पहले इस तरीके की यात्राओं के अंदर कोई दंगे नहीं होते थे, लेकिन अब 2014 की बात की जो यात्राएं हैं वो दंगाई यात्रा है। और वो ये जो दंगाई यात्रा है, इन दंगाई यात्राओं के अंदर आप देखिए हथियारों से लैस होकर के यात्राएं निकाली जा रही हैं। इन्हीं यात्राओं के अंदर आप देखेंगे किस तरीके से भगवा पहन करके किस तरीके से आपत्तिजनक शब्द बोले जा रहे हैं, किस तरीके से इन दंगा यात्राओं के अंदर मस्जिदों के सामने, उन धार्मिक स्थलों के सामने। मैं कहती हूँ आप किसी ऐसे धार्मिक स्थल के सामने तो नहीं जाते, पटाखे तो नहीं चलाते हैं आप, पटाखे किस समुदाय के धार्मिक स्थल के सामने जाकर चलाते हैं? लेकिन भाजपा के मंत्री कह रहे हैं गोली चलेगी तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो बुलडोजर चलाएगी। पुलिस करेगी ना, पुलिस जाँच करेगी, निष्पक्ष जाँच करेगी और गिरफ्तारियाँ करेगी। ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसने किया, किसके इशारे पर किया गया, ये पुलिस का काम है। देखिए बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ वो भीड़ का हाथ क्यों नहीं हो सकता? आप कहते हैं कि अब्दुल हमीद का परिवार जिम्मेदार है, मैं कहती हूँ कि क्यों वो अब्दुल हमीद का परिवार ही जिम्मेदार है, क्यों वो भीड़ जिम्मेदार नहीं है? क्या, क्यों भीड़ ने उसको नहीं मारा और वो हथियार उस घर में नहीं फेंक दिए? क्यों, ये जब भीड़ सब कुछ कर सकती है, किसी के घर में घुस सकती है, किसी का धार्मिक झंडा उतार सकती है, अपना झंडा लहरा करके अपनी ताकत का परचम लहरा सकती है, तो क्यों गोपाल मिश्रा को मोहरा बनाकर क्यों नहीं मार सकती है? और उस वहाँ पे बहराइच के अंदर दंगा भड़काने के लिए, क्योंकि बहुत आसान है, हम ये दिनों देखते रहे हैं कि कहीं पर भी अगर आपको दंगा कराना है तो किसी मंदिर के अंदर कोई किसी भी जानवर का गोश्त फेंक दीजिए, किसी भी मस्जिद के अंदर कोई मूर्ति ले जाकर रख दीजिए, दंगा हो जाएगा। आप दोनों समुदाय को लड़ाना है तो यहाँ पर ये नहीं किया गया। इस बात की क्या गारंटी है कि भीड़ ने कई कई घर जला दिए, कई कई दुकानें लूट ली, जब भीड़ ये कर सकती है तो फिर ये भी कर सकती है? इस बात को भी, इस बात की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से नियोजित तरीके से आप देखिए कि प्रशासन को सब कुछ मालूम था, ये पहले से ये प्री प्लान तरीके से बनाया गया, प्री प्लान तरीके से किया गया, क्योंकि हम इस बात को कैसे मान लें कि लगातार एक समुदाय के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, नफरत परोसी जा रही है। वो देश का मीडिया जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, जिस तरीके से नफरत परोसने का काम कर रहा है, मैं कैसे मालूम, मैं अगर ट्रेन में सफर करती हूँ तो मुझे मारा जाता है, पीटा जाता है, मेरी लिंचिंग करने की कोशिश की जाती है। जिस जवान को यात्रियों की सुरक्षा करनी है, वो चुन चुन कर टोपी देख कर मेरी दाढ़ी देख करके जिस तरीके से उनको चुन चुन कर मारता है, मैं कैसे मान लूँगी अब्दुल हमीद के का परिवार ही जिम्मेदार है? जांच हो, जांच के अंदर जो दोषी है बिल्कुल रास्ता बचा है। देखिए आज यही लगता है देश के, लेकिन बुलडोजर एनकाउंटर सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के लिए, दूसरे समुदाय देखिए अभी तक हजारों घर जला दिए गए, दुकानें जला दी गई, लेकिन कितनी कार्यवाही हुई हम सब जानते हैं, कितने लोगों पर कार्यवाही होगी तो किस पर होगी, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर होगी।